ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और हम सभी आप लोगों के लिए जो आप बहुत इंतजार कर रहे थे और बार बार कमेंट कर रहे थे कि एनटीपीसी का बैच कब आएगा, कौन कौन से टीचर्स हैं जो हमें एनटीपीसी में पढ़ाएंगे, तो हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम है। और मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले ज्ञान सर हैं, साथ में मेरे साथ अभिषेक सर हैं और शिवम सर हैं। आप सभी परिचित हैं, ठीक है। और साथ में ही खान सर के मार्गदर्शन में यह बैच आप लोगों का बहुत ही जल्दी हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप इसकी हमारी जो रेलवे की वेबसाइट है, अगर आप उसमें जाते हो तो वहां पर फॉर्म के बारे में भी आप सभी को एप्लीकेशन के बारे में, फॉर्म के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी गई है। और एनटीपीसी के जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि कल से ही आप लोगों के फॉर्म फिल होते चले जाएंगे और एक महीने तक आप लोगों का विंडो यहाँ पर स्टार्ट रहेगा। और साथ में बाकी डिटेल हम साथ के साथ ही यहाँ पर जुड़ेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवा देती हूँ। तो जो हमारी टीम है यहाँ पर, वहां पर हम चलते हैं, फिर डिटेल एक एक करके सभी टीचर्स थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते रहेंगे, इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे कि कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और किस तरीके से वो उनका अप्रोच रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैथ्स आप लोगों को पीके सर पढ़ाएंगे, जो कि रेलवे के दूसरे एग्जाम्स में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। साथ में रीजनिंग के लिए मनीष सर की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मनीष सर इस बार आप लोगों को एनटीपीसी में पढ़ा रहे हैं। और बायोलॉजी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मेरा नाम है अमृता। और हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको बालवीर सर। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी के लिए, अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे और अभी थोड़ी देर में मैं माइक उनको दूंगी, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं और बिल्कुल जीरो से हीरो यहाँ पर बन सकते हैं। फिर आते हैं ज्ञान सर, आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाएंगे और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एकदम आइंस्टीन बना देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं शिवम सर, आप सभी इनसे मिल ही चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, मतलब जो हमारा एसएससी है उसमें भी सर पढ़ाते हैं और करंट अफेयर, और जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा वो सर यहाँ पर संभालेंगे। कंप्यूटर के लिए आते हैं अभिषेक सचान सर, ठीक है। तो कंप्यूटर जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर भी बहुत बेसिक्स आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। और सबसे लास्ट में आते हैं पॉलिटी, जो कि शुभम त्रिपाठी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ कि ये जो हमारा इवेंट हो रहा है इसमें अभी थोड़ी देर में आप सभी से शुभम त्रिपाठी सर और साथ में बालवीर सर दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे, तो बलवीर सर इनका नाम है, ठीक है। तो ये था हमारी पूरी की पूरी टीम जो कि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएगी। रही बात फीस के बारे में, तो अभिषेक सर आगे आप संभालिए, फीस के बारे में बताइए कुछ बच्चों। नमस्कार साथियों, सभी साथियों का केजीएस परिवार में स्वागत अभिनंदन। एक बार सर आ ही जाइए, है ना, सभी मिलकर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है आपका जो बैच है एनटीपीसी का, है ना, वो CBT 1 CBT 2 लॉन्च हो गया है, ठीक है। और वैकेंसी का फॉर्म भी आप जो है कल से फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, इसमें अगर बात तैयारी की करें तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपने एकदम बेसिक से हम चीजों को लेकर चलेंगे किसी भी पॉइंट को। देखिए दो तीन बातें यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि केवल एक दो या तीन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम सिलेक्शन को सियोरिटी नहीं मान सकते, सिलेक्शन अंतिम रूप से होना चाहिए, है ना। मेरिट लिस्ट में नाम होना, उसके लिए हमारा हर पक्ष मजबूत होना चाहिए, यानी कि चाहे वो जीएस का छोटे से छोटा पोर्शन हो, चाहे वो फिर जीएस का बड़े से बड़ा पोर्शन हो, ठीक है। सभी चीजों पे अगर इक्वल जो है अगर हमारी पकड़ होगी तभी हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी बात है, है ना। कई बच्चे क्या होते हैं कि एक दो सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है तो वो सीख पे फोकस करते हैं और उसी में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों सिलेक्शन के लिए हर पॉइंट जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। तो मैं अभिषेक आपको ज्योग्राफी की बात करूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी और उस लेवल से हम जितना लेवल आपके एग्जाम में आता है उससे अपर लेवल का थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। केवल ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल तो पढ़ने ही है, लेकिन स्टैटिक से भी सवाल आते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गए, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, राजधानियां हो गई, मुद्राएं हो गई, तो इन सब चीजों को भी ट्रिक से थोड़ा सा, है ना, और अलग अलग तरीके से इनको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी अब